अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और आईयूबी नेट एंड जेईटी प्रीवियस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। हर एमसीक्यूज़ को हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप टेस्ट पेपर को ईजीली और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। इससे पहले भी आईयूबी नेट एंड जेईटी पास पेपर की सॉल्व वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली पास पेपर की वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो नेट की लास्ट वीडियो अपलोड हुई है इस चैनल के ऊपर वो बैच 10 और ग्रुप 18 के पास पेपर की वीडियो है, और जो अब अपलोड होने वाली है वीडियो वो बैच 10 और ग्रुप 19 के पास पेपर की वीडियो है। तो इस प्रीवियस पेपर में भी 90% ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि न्यू हैं और 10% ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। इन तमाम एमसीक्यूज को हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं नेट से रिलेटेड, आप उन वीडियोस को अगर देख लेते हैं मुझे उम्मीद है कि आप पेपर को इजीली और अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। वीडियोस में कहीं भी कोई भी मिस्टेक होती है या फिर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता तो आप कमेंट लाजमी क्या करें ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेक्ट कर सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बेस्ट वीडियोस अपलोड होती रहें इस चैनल के ऊपर। तो ओपन करते हैं हम अपने पीडीएफ को। यहाँ पे पीडीएफ ओपन है हमारे सामने, आईयूबी एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट बैच 10 ग्रुप 19। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बैच 10 और ग्रुप 18 का पेपर सॉल्व किया था, और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं बैच 10 और ग्रुप 19 का पेपर, यानी कि उसे अगला पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो है आपके सामने देखें, ये स्क्रीन शॉट है, डायरेक्ट वहीं से ही लिए गए हैं टेस्ट के दौरान, ठीक है, लैपटॉप से ये स्क्रीन शॉट लिए गए हैं क्वेश्चन के। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्लैंक पेज ताकि हम अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकें। इस पर अगर न्यू एम सी क्यूज या फिर प्रीवियस एम सी क्यूज होगा तो आपको यहाँ पर इस साइड पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम रीड करते हैं अपना फर्स्ट एम सी क्यूज। ही टोल्ड मी दैट ही डैश इन स्पेन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे नीचे हमें फोर ऑप्शन दिए गए हैं, हैज़ वर्कड, हैड बिन वर्कड, हैज़ बिन वर्किंग, हैड बिन वर्किंग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डी ऑप्शन, हैड बिन वर्किंग। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डू यू लर्न, सेकेंड पे आर यू लर्निंग, थर्ड पे हैव यू बीन लर्निंग, और लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यू लर्न। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो हैव यू बीन लर्निंग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। थर्ड एमसीक्यूज, अ क्लॉक रीड 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट इज इन वन डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए गए नीचे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर हम जानते हैं क्योंकि ये प्रीवियस एमसीक्यूज है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर फोर, 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई 94 इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करें इस तरह से, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है 106 मल्टीप्लाई 106, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 106 मल्टीप्लाई 106, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, माइनस 94 मल्टीप्लाई 94, माइनस 94 मल्टीप्लाई बाय 94। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 106 मल्टीप्लाई 106 करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 11,236 आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने दरमियान में माइनस वैसे आएगा, 94 मल्टीप्लाई 94 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 8,836, ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2,400, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट है। ओके, तो इसको हम टिक कर देते हैं, 2400 हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 5 के ऊपर। ऑल दोज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पॉइंटेड टूवर्ड हिम डैश, यहाँ पे हमें पांच ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो सिलेक्टेड है वो है द सबसिक्वेंट इवेंट प्रूव दैट ही वॉज इनोसेंट, द सबसिक्वेंट इवेंट एस्टेब्लिश दैट ही वॉज गिल्ट। थर्ड पे हमारे पास जो ऑप्शन है ही गेव एन ओपन कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम, और डी में हमारे पास जो ऑप्शन है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड हिज गिल्ट। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है द प्रिसीडिंग इवेंट कॉर्बोरेटेड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। ओके, जो सिलेक्टेड ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट वाला, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो हम इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 6। यहाँ पर देखें द वैल्यू ऑफ 1.07 मल्टीप्लाई 65 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई 26 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई 9 इज। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके, वो हमारे पास हैं 10.7, 10.73, 10.70 और 107। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 107 करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 7, डिस्टेंस माइल। इसके नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, लिक्विड लीटर मस्ट कॉन और वेट स्केल फेम टेलीविजन, और इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास लिक्विड लीटर है। हम जानते हैं क्योंकि ये हमने प्रीवियस इसको सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 8, वेदर द डैश पोस्ट ऑफिस प्लीज नियरेस्ट मोर नियर नियर मोस्ट नियर, इसका करेक्ट आंसर हमें पता है नियरेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे, सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड डैश हार्ड वर्क अलोन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो सिलेक्टेड है ऑन है, ठीक है, ओवर फोर ऑन और एट, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम, एमसीक्यूज नंबर 10, इफ यू स्मगल गुड्स इनटू द कंट्री दे मे बी डैश बाय द कस्टम अथॉरिटी पनिश्ड कॉन्फिस्केटेड पोस्ट फाइंड। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, कॉन्फिस्केटेड करेक्ट आंसर है इसका। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 11, आई सॉ अ डैश ऑफ काउ इन द फील्ड ग्रुप रॉक हर्ड स्वान, तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 12, डिवाइड 52 by 4 एंड एड 17 मल्टीप्लाई बाई 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डिवाइड करेंगे 32 को 4 पे, ऐड कर देंगे उसमें यानी कि प्लस करेंगे 17 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 3 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 13, 19 प्लस इज इक्वल टू 42। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 61, 42, 0 और 23। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है इसका, 23 ऑप्शन है, तो इसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके। 19 प्लस इज इक्वल टू 42, 19 प्लस इज इक्वल टू 42। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आएगा, 19 प्लस एक्स ओके इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 42 आ जाएगा और माइनस प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 19। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इसको टिक कर देते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर 23 है हमारे पास।
नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 14। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू कंसील हिज एंगर डैश, मैं यहाँ पे पांच ऑप्शन दे गया। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ही फेल टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एग्नी। सेकंड पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ही कुड सक्सेस इन डूइंग इट इजीली। थर्ड पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ही कुड वी कुड डिटेक्ट दैट ही वाज वेरी हैप्पी। और हमारे पास जो डी में ऑप्शन है वो है, पीपल केम टू नो दैट ही वाज वॉइड। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, ही सक्सेडेड इन कैमोफ्लॉजिंग हिज इमोशन। ओके, जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास डी ऑप्शन, पीपल केम टू नो दैट ही वाज अनॉयड। ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15। फेक स्माइल डैश दोज हु इंटायरिंगली ग्रैपल विद स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, ओवर, राउंड, ऑन, विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आता है एमसीक्यूज नंबर 16। अ नंबर इज ग्रेटर देन 3, ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 3 हो बट लेस देन 8, लेस देन क्या हो 8 हो। ऑल्सो द नंबर इज ग्रेटर देन, वही नंबर जो कि ग्रेटर देन क्या हो 3 हो और लेस देन 8 हो। ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन क्या हो 6 हो बट लेस देन 10 और लेस देन क्या हो 10 हो। व्हाट इज द नंबर, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गया, 7 है, 6 है, 8 है, 5 है। दोनों कंडीशन को देखते हुए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो है हमारे पास 7, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, पेन सेडेटिव, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है, ट्रांस नार्कोटिक, ग्रीव कंसोलेशन, कंफर्ट, सेम्यूलेंट, एज एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है हमारे पास, ग्रीव कंसोलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 18, फोर पिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमें पता है कि वो कौन सा आंसर है, डी जो है हमारे पास मटन और शीप, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज था, इसके हर एक ऑप्शन को हमने डिटेल के साथ किया था। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आप इनको अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 19। 64% ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल आर गर्ल्स। 64% जो चिल्ड्रन है स्कूल में गर्ल्स हैं, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़। हमने क्या मालूम करना है, बॉयज की परसेंटेज। ये भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो 36 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 20। द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज। यहाँ पे देखें, ऐसा नंबर बताना है हमें जो कि पूरा पूरा तकसीम हो जाए किसके ऊपर, 6 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। इसको हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ऐसा नंबर यहाँ पे देख बहुत सारे ऑप्शन दे गए हैं, तो ऐसा नंबर ढूंढना है हमें इनमें से जो कि पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 166 को तकसीम करते हैं, 166। तो जब हम डिवाइड करते हैं इस पे 6 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27.66। इस तरह से ये सारी वैल्यू, लास्ट हम 7 कर देते हैं, सारी लास्ट को हम 7 कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 149। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पूरा पूरा तकसीम हो जाए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारे पास 149। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 149 को जब हम तकसीम करेंगे किसके ऊपर, 6 के ऊपर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 24.8 और समथिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 151। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, 151 डिवाइडेड बाय
सिक्स ओके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 25 और 116 समथिंग ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा है 150 ओके अब हम 150 को करके देख लेते हैं क्या ये पूरा पूरा तकसीम होगा सिक्स के ऊपर कि नहीं होगा। 150 डिवाइडेड बाय 6 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 25 ओके देखें ये 150 है हमारे पास ऑप्शन में तो 150 पूरा पूरा तकसीम हुआ यहाँ पे हमें वैल्यू पूरी पूरी यहाँ पर मिल चुकी है ठीक है 25 यानी कि पॉइंट में हमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पे ये हमारे पास करेक्ट आंसर है 150 ओके आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है टीम डैश वर्क टुमारो इजंट गोइंग टू तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं ग्रेन सॉल्ट यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन है जिप ग्लास फिर हमारे पास क्या है ब्लेड ग्रास और हमारे पास शेड वुड और शर्ड पोएट्री ठीक है ये हमारे पास ए जो है इसका करेक्ट आंसर है चिप और ग्लास। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं क्वेसेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है वीक एक्टिव डोरमेंट और हमारे पास अनकंसर्न तो करेक्ट आंसर हमें पता है कि बी ऑप्शन है एक्टिव ये हमारे पास करेक्ट नहीं है इसको हम क्रॉस कर देते हैं रॉन्ग है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं दे हैव पुट स्पीड बम्प ऑन द रोड टू डैश एक्सीडेंट प्रिवेंट अवॉइड प्रोबिड और फॉरबिड तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास प्रिवेंट ये भी प्रीवियस एमसीक्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स टू 240 व्हेन एडेड टू इट्स ओन स्क्वायर तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास 15 है ठीक है 18 है 20 है और 16 ऑप्शन नीचे दिए गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं वैन किलर और यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कॉर्पुलेंट वेट फेल्ड कॉम्प्लेक्शन और इंस्पायर्ड फ्लेवर सिलेक्टेड जो है वो इंस्पायर्ड फ्लेवर है तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ओके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 27 शी नेवर विजिट एनी ज़ू बिकॉज शी इज स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ डैश फर्स्ट हमारे पास है सेटिंग द एनिमल्स फ्री इन टू द फॉरेस्ट लीडिंग द एनिमल्स वाइल अदर्स आर वॉचिंग थर्ड पे हमारे पास जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो है हमारे पास होल्डिंग द एनिमल इन कैप्टिविटी फॉर और जॉय ठीक है और हमारे पास सेकेंड लास्ट कौन सा ऑप्शन है गोइंग आउट ऑफ द हाउस ऑन अ हॉलीडे लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है वॉचिंग द एनिमल्स इन देयर नेचुरल अबोर्ड तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है इसको भी हम डिटेल से कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं एमसीक्यूज नंबर 28 व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8 13 25 43 एंड 11 तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको हम परसेंटेज हम मालूम करते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अगेन ब्लैक पेज ले लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ 8 13 25 यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 8 13 25 नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 25 43 और 11 43 और लास्ट में हमारे पास क्या है 11 ओके तो हमें पता है कि हमें जब एवरेज मालूम करनी हो जो भी हमें सीरीज दी गई होती है या जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है अगर उसमें हमने एवरेज मालूम करनी है तो हम किस तरह से करेंगे जितने भी वैल्यूज़ हैं यानी कि टोटल वैल्यूज़ को हम लॉस कर देंगे
यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस 8 + 13 + 25 + नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है 43 + 11। जब इन सब वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 100 प्लस करने के बाद। ठीक, 100 को अब हम क्या करेंगे, हमने एवरेज मालूम करनी है तो 100 को सिंपली हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, यानी कि जितने भी हमें सीरीज के अंदर नंबर दिए गए उन सब नंबर को काउंट करेंगे, उतनी वैल्यूज के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको सिंपली 5 के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ। जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा सिंपली 20। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ये 20 है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आया, 20। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। यू डैश द लीनिंग आई वुड हैव डन इट टू नाइट, वुडेंट हैव डन, कांट हैव डन, डिडंट हैव डन, वुडेंट हैव डन। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी ऑप्शन, हम टिक कर देते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 30, शी हैज बीन डैश ऑफ द मर्डरिंग हर हस्बैंड, चार ऑप्शन नीचे दिए गए हमें, अरेस्टेड, अक्यूज्ड, ब्लेम्ड, चार्ज। इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 31, माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, मी, आई, माई सेल्फ, माइंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मी है, ये भी प्रीवियस एमसीक्यूज है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है एक्सपेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंस है, कॉन्गेस्ट है, कंक्लूड है, कन्वर्ट है। इसको भी हमने डिटेल से पिछली वीडियो में कवर किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है कंडेंस। ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, कन्वर्ट इसका रॉन्ग आंसर यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। मैन डज नॉट लिव बाय डैश अलोन ब्रेड, इसका करेक्ट आंसर है, ये भी प्रीवियस एमसीक्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। 34, हाउ मच इज 190 - 87 + 60। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 190। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। सिंपल से क्वेश्चन था, कोई सॉल्व करने वाली बात नहीं है इसमें, जस्ट यहाँ पे देखें माइनस करना है फिर ऐड करना है, बस वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 99 इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए 11 है, 99 है, 90 है और 10 है, तो 99 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 36, हिज अपीयरेंस इज अनस्माइलिंग बट डैश, यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ही लुक्स वेरी सीरियस ऑन मोस्ट विजन्स, ही इज फुल ऑफ जेलसी टुवर्ड हिज कोलीग्स, पीपल आर अफेयर्ड ऑफ हिम, हिज हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर अदर, ही इज अनकम्प्रोमाइजिंग ऑन मैटर्स ऑफ टास्क परफॉर्मेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होता है, हिज हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स, ये हमारे पास डी जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 2 आवर्स 40 मिनट्स। ओके, एक कार है जो 200 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 2 घंटे और 40 मिनट में तय करती है। वेदर्स अ जीप कवर, जो जीप है वो कितना मतलब कि कवर करे कितने टाइम में, ये हमें बताना है। जीप कवर्स द सेम डिस्टेंस, जो जीप होगी वो भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी लेकिन कितने टाइम में करेगी हमने ये फाइंड करना है। 2 आवर्स, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास जो देखिए ऑप्शन दे गए हैं 5:4, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4:5, 4:5 के बाद हमारे पास 4:3 और 3:4।
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। न्यू पेज हम यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमें जो 2 आवर्स ये कहते हैं हम सिंपली उसको प्लस कर देंगे किसे। यहाँ पे हम 2 आवर्स यहाँ पे राइट करेंगे, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 60। ओके, 4 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड 3। ये हमारे पास टोटल जो है ना वैल्यू बन रही है। स्पीड डिस्टेंस टाइम हमारे पास क्या है, 200। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 75। ओके, गिवन स्पीड हमें जो जीप की दी गई थी वो दी गई थी 200 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 2, 2 घंटे दिए गए थे ना, तो यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखें 100 हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। द रेशो ऑफ स्पीड 75 डिवाइडेड बाय 100। क्या मालूम करना था, रेशो ऑफ स्पीड मालूम करनी थी। तो हम ये जो हमें हमने फाइंड किया यहाँ पे 75 फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। रेशियो मालूम करनी है तो आपको पता है जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 100 की। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3:4। 3:4 हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास है 3:4। तो ये हमारे पास, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3:4 हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये हमारे पास रॉन्ग है, 4:3 जो है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, इज 15 डिवाइडेड बाई 7, 15 डिवाइडेड बाई 18, 15 डिवाइडेड बाई 19 और 15 डिवाइडेड बाई 21। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 21, 5 डिवाइडेड बाई 17, 5 डिवाइडेड बाई 19, 5 डिवाइडेड बाई 18। सिलेक्टेड हमारे पास जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, 5 डिवाइडेड बाय 17। नेक्स्ट हम देखिए उसके ऊपर आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5:2.5 इज, हम जानते हैं कि इसका आंसर 3:5 है। ओके, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं डिटेल के साथ। नेक्स्ट हम देखिए उसके ऊपर आते हैं। वुड यू माइंड डैश द विंडो, क्लोज्ड क्लोज टू क्लोज क्लोजिंग, क्लोजिंग इसका करेक्ट आंसर है, डी जो ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 41, द ग्रैब्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड, मैच्योर रेडी और एडवांस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एम सी क्यू उसके ऊपर आते हैं। अहमद रीड 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट्स, जो अहमद है वो रीड करता है बुक को कितने मिनट के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर। द रेट ऑफ पेज रीड पर मिनट बाई हिम विल बी, हमने पर मिनट मालूम करना है। हमें गिवन क्या दिया गया है यहाँ पे देखें, अहमद रीड्स 24 पेजेस, इतने 24 पेजेस जो है हमें दिए गए हैं, रीड करता है हर पेज को इतने 15 मिनट के अंदर। ओके, 15 मिनट के अंदर जब वो रीड करता है तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई थी 24 पेजेस की दी गई है, फिर 15 मिनट्स। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे देखें 24 डिवाइडेड बाय 15। ओके, 24 डिवाइडेड बाय 15 जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1.6 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे देखें सी पे 1.6 जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास 43 जो एमसीक्यूज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 11, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स इज इक्वल टू 2 × 3। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2 × 3 और प्लस 11। ओके, ये हमारे पास वैल्यू थी, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ब्रैकेट के अंदर प्लस 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 17। ओके, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं 17 को, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। आफ्टर बिफोर, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंटेम्प्रेरी, हिस्टोरिक, सक्सेसर और प्रीडेसेसर, फर्स्ट सेकंड प्रेजेंट पास्ट। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सक्सेसर और प्रीडेसेसर। ठीक है, ये ना फर्स्ट है ना सेकंड है और ना ही पास्ट प्रेजेंट है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं प्रेजेंट पास्ट वाले को। करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 45। इफ ओनली आई डैश फ्यूचर वेयर विल बी वुड बी एम, तो वेयर इसका करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 46। डैश टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू वॉक्ड और हैव यू वॉक्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डिड यू वॉक। ठीक है, ये ऑप्शन जो हमारे पास है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 47। द म्यूजिक गिव्स डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइंस इन द फ्रंट ऑफ हिम, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, यहाँ पे हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, मेस्टली, थ्रू आउटली, एवरली, एडमायरिंगली, इसका जो आंसर है वो है सी, करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। ओके, जो हमारे पास 48 एमसीक्यूज है वो है, व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर हमने फाइंड करना था। तो उसमें जो पहले वाला एमसीक्यू था उसमें था सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, तो उसमें हमारे पास 99 थी, तो हमने प्राइम नंबर इसमें क्या मालूम करना है, टू डिजिट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास 97 है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स 240 व्हेन एडेड टू इट्स ओन स्क्वायर, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये हम पहले अभी सॉल्व करके आए, तो 50 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, ये हमारे पास लास्ट हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 50। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ 25, 20, 23 and 22। ठीक है, ये इसकी एवरेज आप खुद मुझे मालूम करके कमेंट करेंगे कि इसकी एवरेज क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट कर देंगे इसका आंसर कौन सा करेक्ट है। ओके, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Thank you.